नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। शहर में निजी बसों द्वारा किसी भी जगह पर बस रुकवाकर बनाए गए अवैध तरीके से बस स्टॉप रोड से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। निजी बस संचालक शहर में कहीं भी इन बसों को खड़ी करके सवारियां बैठाते उतारते हैं। इस वजह से सिंगल रोड होने के कारण जाम की स्थिति बन जाती है, कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है, जिस कारण बस संचालक और लोगों के बीच बहस के बाद झगड़े तक की नौबत आ जाती है। यातायात पुलिस के साथ साथ आरटीओ विभाग द्वारा इन पर कार्रवाई न होने से दिन ब दिन स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में यात्री तो खुश है पर रोड पर चलने वाले लोग परेशान और हैरान है। शहर के छत्रपति चौक से सीतावर्डी, बैद्यनाथ चौक, इंदिरा चौक, रविनगर चौक के साथ कई स्थान ऐसे है जहाँ निजी बसें सड़क के किनारे कहीं भी अचानक खड़ी हो जाती हैं। इनमें वे बसें भी शामिल हैं जो लगेज का काम करती हैं, सवारियों के सामान के साथ दूसरे सामान भी ले जाती हैं। अगर सामान को चढ़ाने और उतारने तक सीमित रहता तो बात थी, लेकिन ये बसें घंटों एक ही जगह पर खड़ी रहती हैं जिससे यातायात प्रभावित होता है। निजी बसों के इस मामले की पूरी जानकारी आरटीओ को है, पर इस मामले में कोई भी आरटीओ का जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है, लिहाजा निजी बस वालों के हौसले बुलंद हैं। यह बस इस तरह से चलाते हैं जैसे कोई बाइक हो, और तो और आड़े तिरछे तरीके से कहीं भी चालू रोड पर यात्री लेने के लिए अचानक रोक देते हैं। इन बसों के साथ सवारियों को लेने के लिए ऑटो चालक भी जमघट लगा देते हैं और बड़ी संख्या में छितर बितर बीच रोड पर ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं, जिससे मेन रोड पर किसी भी समय जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रशासन सब देख आंख मूंदे कुंभकर्ण की नींद सोए रहता है, ना जाने कब इन बस वालों पे कोई कार्रवाई करेगा, इनको नियम कानून की समझ कराएगा। केसरी उजाला न्यूज के लिए प्रतिनिधि प्रतीक्षा माटे की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज।